असलक्रम रहमतुल्लाहि व हूँ मैं डॉक्टर मोहम्मद नसरूल्ला खान असिस्टेंट प्रोफेसर शोबे उर्दू और कोऑर्डिनेटर पीजी उर्दू प्रोग्राम कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी मैसूर से लिहाजा यम उर्दू के तमाम तलबा व तालिबात का मैं इस्तकबाल करता हूँ आज मैं जो है आपके सामने यम उर्दू साल की पाँचवा पर्चा जो है फ़ारसी ज़बान व अदब से मुत चंद अहम बातें आपके सामने गोश गुजार करने की कोशिश करूँगा उम्मीद है कि आप इससे इस्तेफ़ा करेंगे लिहाजा उर्दू ज़बान से मुतल उर्दू ज़बान का आगाज़ वर्ता उसकी रफ्तार और उसकी गुफ्तार से मुतल बहुत सारी बातें हम सुन चुके हैं पढ़ चुके हैं देख चुके हैं लिहाजा उर्दू ज़बान जो है उसकी इब्तदा जो हुई वो ज़ाहिर बात है कि जिसकी तारीख हमें एक सात आठ सौ साल तारीख मिलती है जिसकी उर्दू ज़बान के आगाज़ में उसकी इब्तदा में या उसके आगे बढ़ने में यहाँ की हिंदुस्तानी मिजाज हिंदुस्तानी मिट्टी हिंदुस्तानी आबो हवा और हिंदुस्तानी तहजीब व तमद्दुन उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा असर अंगीज़ हुआ है लिहाजा हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद जब हुई जैसे कि अरब से मुसलमान आए या तुर्की से आए ईरान से आए या जो है अफग़ानिस्तान से आए मगर जो भी आए उनकी अपनी ज़बानें थी उर्दू ज़बान तो हिंदुस्तान की सरजमीन से आ, जो है उसका आगाज़ होता है यहीं की जबान है यहीं की तहजीब है यहीं की तहजीब की नुमाइंदा है यही कल्चर है और यही ट्रेडिशंस हैं लिहाजा फारसी जबान एक ऐसी ज़बान है जो सारी दुनिया पर उसका जादू चलता है उसका सिक्का जो है वो सारी दुनिया पर मिलता है चाहे मगरबी अदब ही क्यों ना हो या मगरबी जबान जैसे कि अंग्रेजी हो फ्रेंच हो जर्मन हो या रशियन हो ये तमाम लोग भी जो है वो फारसी ज़बान फ़ारसी अदब से क्या है इस्तेफ़ादा करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने फारसी से लिया है ये एक फारसी अदब जो है दुनिया के एक क़ीमती अदब में यानी कि अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ कहा जाता है कि इट इज़ ए रिच लिटरेचर तो उसे हम क्या है एक ऐसा सरमाया है दुनियाई अदब का फारसी हम जो है उसे देख सकते हैं और आगे चलकर जब हम देखते हैं आपके निसाब में फ़ारसी से मुतल आप पढ़ रहे हैं यमए उर्दू मगर यहाँ पर आप फारसी से मुतक़ क्या पढ़ेंगे तो ज़ाहिर बात है कि फ़ारसी का अदब जो है जैसे कि आप बड़े बड़े अक्बिर उदबा शोरा फ़ारसी में जो गुजरे हैं उनका अदबी सरमाया जो है वह दुनियाए अदब का ख़िमती ज़खिरा है जैसे कि शेख सदी रहमत हैं शराजी हैं उमर ख़याम हैं फिरदोसी हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी सोच अपने नज़रियात अपनी फ़िक्र और अदब के वो आला नमूने पेश किए हैं दुनिया जिससे आज भी इस्ता कर रही है इन आइंदा भी उससे इस्ता करेगी लहजा मैं आपके सामने जैसे कि शेख सदी रहा से मतलब बहुत सारी बातें क्या है आपने क्या है पढ़ी होगी देखी होंगी इसमें शेख सादी जो है वो शायर या वो फनकार थे अदब की जिन्होंने ज़िंदगी में सफ़र ज़्यादा किया जैसे कि इंसान जितना सफ़र करेगा जितना दौरा करेगा अलग अलग इलाक़ों का अलग अलग मुमालिक का तो ज़ाहिर बात है कि उसकी मालूमात में बेशुमार इजाफा होता है तो यही जो है वो शेख रहमतुल्लाह रहमत से मतलब बात कही जाती कि आपने सफ़र ज़्यादा किया था देखें सादी का नाम जो है शरफ शेख शरफुद्दीन है जिस तरीक़े से क्या है आपने बहुत सारी चीज़ें उनका तखल सादी है या उनकी जो सबसे अहम किताबें जो हैं गुलिस्तान और बूस्तान ये वो मारिकतुल आरा तीफ़ हैं जिसके ज़रिए शेख शादी रहमत को हम क्या है दुनिया अदब का एक अजीम फ़नकार के तौर पर पेश करते हैं आज भी आप शादी के हकयात जो हैं शादी की वो हमत वाली बातें जो हैं अखलाक की बातें किरदार की बातें और अमली बातें जो हैं आप दुनिया के बड़े बड़े पार्लिमेंट्स में दुनिया के बड़े बड़े इदारों में दुनिया के बड़े बड़े जगहों पर यहाँ तक कि आप व्हाइट हाउस में भी उस, उसको देख सकते हैं आप इसलिए कि उन बातों की उन हिकायात की वो अहमियत है वो अज़मत है और आज के दौर में भी हम क्या है उसकी हकीक़त और उसकी पज़ीराई क्या है सारी दुनिया में देख सकते हैं जिस तरीके से शेख सदिरत की वो बातें हैं इसी तरीक़े से शेख सादी की जो गुलिस्तान है उसके अलग अलग बाब हैं अलग अलग चैप्टर हैं उसके उसमें एक बात क्या है शेख सादी रमत की जो बातें हैं वो बहुत सादगी पसंद इंसान थे और उनकी बातें उनकी ज़बान उनका अंदाज उनका उसलूब उनका तरीक़े का है जो है वो बहुत सादगी पसंद था और वही सादगी शेख सादी रहमत को एक बड़ा फ़नकार बना देती हैं और बड़ी हमत वाली बातें हैं एक तरह से क्या है वो बातें जिसमें कुरान और हदीस की बातें मिलेंगी जिसमें दुनियाए अदब की या दुनिया में आ, लोगों की जिंदगियों से मुतालिख जो बातें हैं या अपने दौर के या उससे पहले वाले दौर में बहुत सारी अहम बातें जिसे क्या है हम जिससे हम इस्ता कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को अपने अखलाक को अपनी रफ्तार को सुधारने के लिए अपने जो बिगड़े हुए माशरे को सुधारने के लिए चाहे वो सूफिया की बातें हों चाहे वो अम्ब्या कराम की बातें हों चाहे वो दुनिया के अच्छे और नेक लोगों की अल्लाह ताला के मुखरब बंदों की बातों को आप अदबी सतह पर बड़े ही फनकाराना अंदाज़ में पेश करते हैं जो शेख सदिर रही की एक आ, ए, उनके फ़न की एक एक लाफानी फ़न होने की एक दलील के तौर पर भी हम देख सकते हैं इसी तरीक़े से उनकी तालीमी सरगर्मियां हैं या उनके जो आ, या उनका जो दौरा था या मुख्तलफ जो इलाक़ों का उन्होंने जो दौरा किया यहाँ तक के आ, बेशुमार चीज़ें बेशुमार बातें जो हैं उन्होंने वो उससे अक्स की और बाद में आगे चल कर उन्होंने अदब में उसे पेश करने की कोशिश की जिस तरीक़े से क्या है शेख सादी सादिरत के फ़न को उनकी हकयात को जो उनके जो मार्कत तसानीफ़ तो तसनीफ़ें गुलस्तान और बूस्तान उसमें वो बातें क्या हैं मुजमी रहीं हम देख सकते हैं देखिए मुग़लों के दौर का रोशन पहलू यह है कि फारसी जबान ईरान से बाहर फैली है देखिए ईरान जो है ख़दीम जब हम तारीख का जब मतलब करेंगे तो ईरान और रोम जो है वो सुपर पावर ताकतें थीं उनकी ताकतें या या वहाँ वहाँ के लोग उनका अदब या उनका उनका उसलूब या उनका कार जो था वो सारी दुनिया पर क्या है वैसे भी क्या है ईरान की बहुत सारी चीज़ें क्या है दुनिया में फैली हुई इवन हम देख सकते हैं हम हिंदुस्तान में भी बहुत सारी चीज़ों पर क्या है आप ईरान का क्या है गलबा रहा है चाहे ज़बान में हो हमारे खाने पीने में हो हमारी तहजीब में हो हमारे तमदन में हो हमारे कल्चर में हो या हमारे तहजीबी रिवायात में हो फारसी का ईरान का बड़ा अमल दखल है जैसे कि आप बहुत सारी बातें देखें आज भी हम इस्तेमाल में ला सकते हैं लफ्ज़ तहसीलदार है शिरस्तेदार है हवलदार है मैदान है ख़वायत है ये तमाम चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेटिव या 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 जुडिशरी में एडमिनिस्ट्रेशन में या जुडिशरी में या मुनसिफ़ दावा ये तमाम अल्फ़ाज़ जो हैं फ़ारसी के हैं जिसे हम क्या है उर्दू में भी इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदी में भी इस्तेमाल कर रही हैं यहाँ तक कि हमारी मकामी बोलियाँ कन्नड़ में भी उसका इस्तेमाल कर रही उसी लफ्ज़ को दावा है मुनसिफ है कवायत है या आप देख सकते हैं कि आप मैदान कवायत मैदान दोनों लफ्ज़ फ़ारसी के हैं तो इस तरह से आप देख सकते हैं तहसीलदार है अमलदार है हवलदार है शिरस्तेदार है थानेदार है तमाम अल्फाज जो हैं फारसी के हैं हम उसे अपनी बोलियों में और हमेशा देखिए कभी भी जबानें जो है आपस में नहीं लड़ती झगड़ती इंसान आपस में लड़ झगड़ सकते हैं मगर जबानें आपस में आराम से क्या है आसानी के साथ बहे क्या वो फारसी के अल्फाज हैं वो हिंदी में भी आ जाते हैं वो कई हिंदी की चीज़ें फारसी में भी चली जाती हैं ये एक जबान जैसे मेल मिलाप जो हैं हमेशा जबानें क्या है एकजहती का काम करती हैं और हमेशा इनमें वो वो हिंदी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं आदान प्रदान ये चीज़ ले लेने में देने में क्या है वो हमेशा क्या है हर्ज नहीं करती और ज़बानी वो काम करती हैं और फ़ारसी का जो है वो हिंदुस्तान में ख़रीब सात आठ सौ साल वो जो है वो सरकारी ज़बान के तौर पर भी वो और राइज थी चाहे वो मुग़लों का दौर हो चाहे आप जुनूब में खुतुब शाही आदिल शाही दौर हो या आप जुनूब में दीगर जो सल्तनतें थीं वो सल्तनतों में भी क्या है फ़ारसी क्या है वो सरकारी ज़बान के तौर पर इस्तेमाल में लाई गई थी तो इस वास्ते आज भी हम क्या है फ़ारसी के इतने अल्फाज़ इतने जो उसके मरकबात जो थे वो वो आज भी हमारे पास रायज हैं तो ये फ़ारसी का क्या है आ, आ, बड़ी आ, बड़ी अहमियत के साथ बड़े वखार के साथ क्या है हम आज भी उससे इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके साथ में मैं, मैंने बताया कि न सिर्फ ज़बान है बल्कि अदब है तरीक़ार है हमारा रहन सहन है हमारे खाने पीने जो चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं ये भी हम क्या है बहुत सारे वो ईरान के आ, से से लाए हुए ईरान से हमने जो किए हुए हैं वो चीज़ें क्या हैं हम इस्तेमाल चाहे खाने पीने में भी आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें चाहे मिठाइयाँ हो या आ, अलग अलग ज़िंदगी के रोज़मर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हो ये तमाम क्या है हमने क्या है ईरान से बहुत सारी चीज़ों को क्या है तब क्या यही चीज़ें अक्सर रिवायतें जो हैं वो हमने ईरान से ही ली हुई हैं जो आज भी आ, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान क्या मैं ये कहता हूँ कि दुनिया के अलग अलग ममालिक में मुख्तलिफ ममालिक में वो रायज हैं जारी वो सारी हैं शेख शादी रहमत तक उनकी हकायात से मुतल चंद बातें मैं आपको गुज़ार कर दूँ देखिए शादी सा, के हिकायात जो हैं उनमें उनकी ज़बान की सादी सादगी उनकी ज़बान की जो शुश्त है या खूबसूरती है या उनके ज़बान उनका अंदाज़ है या उनकी जो तरीक़ार है या उनको जिन्होंने जिस तरह से उसे इस्तेमाल में लाया है वो क्या है वो काफ़ी सराहनी है फ़ारसी से मतलब कहा जाता है कि उन्होंने अदब को दुनिया को अपने अदब के खीमती से सेमती चीज़ें पेश की हैं और दुनिया आज भी उन्हीं चीज़ों से इस्तेफ़ा कर रहा है ये एक दुनिया की हकीकत है देखिए इसके साथ साथ देखें फारसी में चाहे आपको वहाँ की उनके खसीदा निगारी हो जिस जिस तरीके से यहाँ पर हिकायतें मिलती हैं गुलिस्तान और बूस्तान में या उनकी शायरी हो या उनकी मसनवी दर हो या गज़लें हों जिससे क्या है आप आगे चलकर क्या है एक एक, एक, एक चीज़ें क्या हैं आगे चलकर वो उर्दू में हिंदुस्तान में रायज हुई और बहुत सारी चीज़ों को हमने फारसी से क्या है वो इस्तेमाल में लाया है ये दरअसल फारसी अदब की एक क़ीमती चीज़ है जिसे हमने क्या है बड़ी खुश उसलूबी के साथ उसे क्या है अपनाया है देखिए उसके साथ साथ जो है फ़ारसी की जो फारसी का जो अदब है वो अदब दरअसल क्या है एक एक हकीकत पर मबनी है जिसमें ममालिकाज़ कुछ नहीं है जो हकीक हाँग, हकीकत पर मबनी है और फनकारी के आला पैमाने पर खरा साबित होता है यही चीज़ें हैं और उसके साथ साथ शादी ने जो शायरी में भी जो इस्तेमाल में लाई हैं जो सनतें इस्तेमाल में लाई हैं वो बड़ी अहम हैं दुनिया अदब का कीमती सरमाया हर हर सिनफ से खुबादा भरा हुए हैं गुलिस्तान नसर में है नजम शादी की मसनवी बूस्तान और गजलियात बहुत अहम हैं देखिए ये चाहे वो मसनवी हो चाहे वो गजल हो जैसे कि आप उर्दू के तलाक़ से देख सकते हैं कि अगर किसी कोई सिन्फ़ को आप उर्दू की सबसे मकबूल सिनफ़ कहेंगे तो वो है गज़ल और गजल जो है वो पूरे उर्दू ज़बान की नुमाइंदगी करने का वफ्फ़ रखती है हौसला रखती है तो जो हौसला मिला है वो काफ़ी हद तक उसमें फ़ारसी का अमल दखल भी है मिजाज हिंदुस्तानी है ज़मीन हिंदुस्तानी है हकीकत जो है वो इसी सरज़मीन से उसकी वबस्तगी है मगर बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी रिवायात बहुत उसका जो तरीक़ेकार है फ़ारसी से लिया हुआ है यही चीज़ें हैं यही अकाबिर शोरा हैं चाहे शेख सादिरत हैं या आप उस गज़लों के गजल, उनके गज़लियाँ हाफिज़ शिराजी की गज़लें हैं या उमर ख़याम की रबायात हैं या फिर दोसी का शाहनामा तो वो दुनिया उसका दूसरा नमूना आज तक नहीं पेश कर सकी इसलिए कि वो अकाबिर फनकार हैं जिन्होंने दुनियाए अदब में अपनी नुमाइंदगी बड़ी गहराई के साथ बड़ी गहराई के साथ पेश किया है और आज ऐसा महसूस होता है कि ये फनकार जो हैं वो फारसी अदब क्या दुनिया अदब के आला मेमारों में शुमार होते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन शाह आइंदा क्लास में तफसील से फ़ारसी के एक एक फनकार पर और उनकी अलग अलग आ, उनकी जो तख्लीक हैं उस पर इन बातें आपके सामने गोश गुजार करने की कोशिश करूँगा बस आपने आ, ये क्लास जो बड़े खुशबी से समात किया है मैं उसका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात के ख़त्म करता हूँ शुक्रिया السلام عليكم